हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। हिंदी में होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार, जहां पर जो भारत सरकार है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी जो महत्वपूर्ण जो योजना आती है, उस सब की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर अच्छा डाटा मिल जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस ना हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज है 28 फरवरी 2019। तो चलिए देखते हैं आज की जो पीआईबी है, इसकी पहली न्यूज जो कि हमारे पास है, यहाँ पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यहाँ पर इटली के साथ जो कल 20वीं जो सत्र चल रहा था, भारत और इटली JCEC के 20वें सत्र की सह अध्यक्षता हुई थी। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यह 20वां सत्र होने वाला है, तो इसमें क्या क्या हुआ वह देख लेते हैं। तो श्री प्रभु यानी कि सुरेश प्रभु जी, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ने यहाँ यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2017-18 के दौरान इटली के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 18.41% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 10.42 अरब अमेरिकी डॉलर के सतत स्तर पर पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, इटली की राजधानी क्या है। तो आप थोड़ा गूगल पे सर्च करके बताएं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आप जरूर बताएं। इस दौरान इटली को निर्यात 16.47% बढ़कर 5.71 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है। तो 5% से ज्यादा यहां पर व्यापार बढ़ गया है निर्यात। वही इस अवधि के दौरान इटली से भारत में आयात भी 20.84% की अच्छी खासी वृद्धि के साथ 4.71 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर जा पहुंचा है। तो आयात निर्यात दोनों अच्छी तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के प्रथम 10 महीनों के दौरान भारत और इटली के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 5.62% बढ़कर 9.02 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान निर्यात जो 2.73% घटकर 4.53 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, जबकि आयात 15.61% से बढ़कर 4.49 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो आयात या निर्यात दोनों चीजें अगर आप देखें तो दोनों ही काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि जो संबंध है दोनों देशों के काफी मजबूत हो रहे हैं। श्री प्रभु ने कहा कि दोनों पक्षों को भारत एवं इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार में और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा वर्ष 2015-16, 16-17, 18 और 17-18 के दौरान इटली के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 8.30 अरब से 8.80 अरब और 10.42 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती रहने के बावजूद हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे कि आपको पता है अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, इन सबके दौरान, और अमेरिका ने ईरान पर सेंक्शन भी लगाए, इन सबके दौरान यहाँ पर भी जो व्यापार है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों काफी शानदार तरीके से बढ़े। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने एक आकर्षक विदेशी निवेश नीति बनाई है और हाल के वर्षों में इस देश के ने उदारीकरण से जुड़े अनेक कदम उठाए। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान भारत में एक FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल प्रवाह में इटली की रैंकिंग 17वीं रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान इटली से भारत में FDI का कुल प्रवाह 2.72 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है। तो देख सकते हैं दोनों ही क्षेत्रों में काफी शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं दोनों देश। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा किसके साथ क्या व्यापार चल रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यहाँ पर न्यूज है, तो यहाँ पर सिंगल चिप 4G LTI और 5G NR मॉडल्स के लिए भारत के प्रथम विदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया गया। यानी कि देखिए 4G LTI यानी अभी हम जो चलाते हैं वोल्टी वगैरह चलाते हैं, LTI वगैरह भी चलाते हैं, हम 5G की तरफ चल रहे हैं जो कि NR मॉडल्स है, ठीक है। ये जी
फोर जी तक का LTI मॉडल था और 5G NR मॉडल है। तो इसकी एक नई चिप को यहाँ पर जारी किया गया है, इसका सेमीकंडक्टर। भारत सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी के लिए विश्व मानचित्र पर स्थापित है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसको पढ़ लेते हैं हम। दूर संचार सचिव श्रीमती अरुणा सुंदर राजन ने कहा कि इनका नाम भी पूछा जा सकता है, कौन है मंत्री सचिव वगैरह, कि आंकड़ों की सुरक्षा विश्व में आज सर्वाधिक चिंता का विषय है। ठीक है, और भारत आंकड़ों के संदर्भ में तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह स्वयं की चिप्स का निर्माण नहीं कर लेते। यानी कि अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी आगे चलने में, क्योंकि हमारा जो डाटा वगैरह है, आंकड़े हैं, इन सब दूसरों के पास रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं, चुनाव वगैरह में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें खुद की चिप्स वगैरह बनानी चाहिए। आज नई दिल्ली में बेंगलुरु स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिंगल चिप द्वारा 4G LTI और 5G NR मॉडल्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी करने के बाद अपने विचार प्रकट कर रही थी। इस चिप के जारी होने को बेहद महत्वपूर्ण करार देते हुए श्रीमती सुंदर राजन ने कहा कि इनके माध्यम से भारत विश्व के कुलीन वर्ग में अपनी जगह बना रहा है और इसमें सकारात्मक आर्थिक और निहितार्थ के अलावा भारत के आंकड़ों की सुरक्षा और आंकड़ों की संपूर्णता से दृष्टि व्यापक निहितार्थ होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे में स्वदेशी तकनीकी से निर्मित चिप का जारी होना सही मायने में विश्व के लिए मेक इन इंडिया है, यानी कि इंडिया बढ़ रहा है। इसका एक एग्जांपल है यह, मेक इन इंडिया का भी आप एक एग्जांपल यहां से दे सकते हैं इस तकनीकी के थ्रू। तो इससे थी हमारी न्यूज, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्रालय से है, तो यहाँ पर सैड न्यूज कह सकते हैं इसको। भारतीय वायुसेना का MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर ने आज कुशीनगर एयरफील्ड से सुबह 10 बजे नियत मिशन के लिए उड़ान भरी थी। यह हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर में बड़गांव के निकट सुबह लगभग 10:10 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 जवानों को गंभीर चोट आई है। दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। तो एक तरीके से दुखद न्यूज कह सकते हैं इसको। इसी के साथ अगली भी एक न्यूज रक्षा मंत्रालय से है। तो DAC ने 2700 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरणों को अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई। यानी कि रक्षा के क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे उपकरण लाए जाएंगे। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की आज बैठक हुई। इस बैठक में 2700 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीदी की मंजूरी भी दी गई है। पैसा दिया गया तो 3 कैडेट परीक्षण पोत भी खरीदे जाएंगे। इन पोतों का उपयोग महिला अधिकारियों सहित कैडेट अधिकारियों को समुद्र में प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाएगा। ये पोत अस्पताल सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में तथा खोज व बचाव मिशन एवं आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सक्षम होंगे। देख सकते हैं, और जो हमारा रक्षा क्षेत्र है वह और भी मजबूत हो रहा है यहाँ पर। इसी के साथ रेल मंत्रालय से एक न्यूज है। तो श्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा लॉन्च की है। अब इस सुविधा से क्या होगा, चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी। यानी कि चार्ट तैयार होते पहले तो आपने कहाँ पर बुकिंग की है, कौन सी सीट खाली है आज के समय में, इन सब की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आपको टिकट बुकिंग की एक और सुविधा मिलेगी कि आप ऑनलाइन कहीं से भी, मोबाइल से या फिर कहीं पे लैपटॉप से, कहीं से भी घर बैठे आप अपनी मनचाही सीट बुक कर सकते हैं। इस सुविधा से आरक्षित ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले 9 वर्गों वाले कोच स्थिति को प्रदर्शित किया जाएगा। इनकी कौन सी कोच में कितनी सीट भर चुकी है, कौन सी कोच में कितनी सीट खाली है, वह सब जानकारी आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं और अपनी मनपसंद आप जहाँ चाहे वहाँ सीट बुक कर सकते हैं। तो यह थी न्यूज। इसके बाद जनजाति कार्यालय मंत्रालय की न्यूज है। श्री जूएल ओराम कल लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं वन धन के मूल्य वर्धन संकट का शुभारंभ करेंगे। जनजाति कार्य मंत्री ग्रामीण इकाइयों में मूल्य वर्धन इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए वन धन योजना का विस्तार करेंगे। तो देख सकते हैं, 2 योजना बताई जा रही है, लघु वन उपज के लिए और वन धन योजना के लिए। केंद्रीय जनजातीय मंत्री कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम
28 फरवरी 2019 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा आयोजित कार्यशाला में सूक्ष्म वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बंधन के मूल्य वर्धन संकट का शुभारंभ करेंगे। दिन भर चलने वाली इस कार्यशाला में 30 राज्यों की सरकारों और हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यशाला में इन प्रतिनिधियों में के साथ योजना के आरंभ और उसके कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की जाएगी। देख सकते हैं वन के क्षेत्र में भी काफी शानदार तरीके से बातें हो रही है, और हमने कल द हिंदू में डिस्कस किया था किस तरह से वनों की कटाई वगैरह चल रही है, तो वह सब आप देख सकते हैं। साथ ही थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बातें की जा रही है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके, या आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थोड़ी सोरी यहाँ पर और भी आंकड़े दिए जाते हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से न्यूज है, तो नमामि गंगे की सभी वर्तमान परियोजनाओं को 13 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, नितिन गडकरी ने कहा। तो जो नमामि गंगे मिशन चल रहा है उसकी जो जो योजनाएं चल रही है उनको 13 महीनों में पूरा करने की बात कही जा रही है। तो केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि नमामि गंगे की सभी वर्तमान परियोजनाओं को मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। नई दिल्ली में आज स्वच्छ गंगा आंदोलन का कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ और अविरल गंगा जल के जल मंत्री संपन्न को पूरा करने के लिए वह कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में गंगा कार्यों के लिए 2700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि पिछले 50 वर्षों में केवल 400 करोड़ रुपए दिए गए। अब तक 276 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 82 पूरी हो चुकी हैं, और गंगा की 40 सहायक नदियों और प्रमुख नालों पर काम शुरू हो चुका है, जो नदी की पूरी सफाई के लिए आवश्यक होने होगा। उन्होंने कहा कि 145 से 170 घंटे पूरे हो चुके हैं और 53 मुक्ति धामों पर कार्य होने वाला है। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि गंगा को सफाई करके ही छोड़ेंगे। इसके साथ कुछ और पॉइंट भी है यहाँ पर, तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, फिर भी कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कितने प्रतिशत काम हो चुका है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो आप सबको पीडीएफ से पढ़ लें। तो यह था आज का हमारा डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और सभी के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि सबको यह वीडियो मिल जाए। तो आज के सिलेक्शन बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।